ये है टपके इस वक्त के बाहर की दुकानें। मैं इसलिए इतना हाँफ रही हूँ क्योंकि मैं सीढ़ी चढ़ के उतर के रही हूँ, तो मैं थक गई हूँ। यहाँ पे सावन के टाइम पे मेला लगता है, आप देख रहे हैं। ये है निक्सन अतु चैनल और आज हम लोग आए हैं टपकेश्वर मंदिर, जो देहरादून शहर से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देख सकते हैं आप, कहा जाता है ये प्राचीन, वैसे तो बहुत सारे भोलेनाथ के मंदिर हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा, उन्हीं में से एक ये भी बहुत प्राचीन मंदिर है। इसमें सीढ़ियाँ बहुत सारी हैं नीचे जाने के लिए, काफ़ी सीढ़ियों से हमें गुजरना पड़ता है और चल ऊपर आते आते हालत ख़राब हो जाती है। आराम से आराम से। ये भैरव बाबा का मंदिर है, यहाँ से हम, ये रास्ता है अंदर जाने का भोले बाबा के द्वार मंदिर में। गणेश भगवान जी, देख सकते हैं आप कैसी छोटी सी गुफा है ये जयवनंदी महाराज की। मैं आपको दर्शन कराती हूँ शिवलिंग के, जो आज का नहीं बहुत प्राचीन शिवलिंग है, जहाँ इस यहाँ पर स्वयं भोलेनाथ जी ने ये स्थापित करा है शिवलिंग के रूप में। वो यहाँ पर खुद रुके हैं, ये जो शिवलिंग देख रहे हैं आप यही वो शिवलिंग है। हालांकि अब इसे काफ़ी वो कर दिया है इन्होंने, डेकोरेट कर दिया है, इसमें जो ओरिजिनलिटी थी वो ख़त्म कर दी है, बट यही वो शिवलिंग है जो भोले शंकर ने, जहाँ पे भोले शंकर खुद स्थापित हुए हैं शिवलिंग के रूप में। क्योंकि आपको गुरु द्रोणाचार्य जो कौरव पांडव जी के गुरु थे, आपने सुना ही होगा उनके बारे में, क्या कहा जाता है कि उन्होंने ही तपस्या करके यहाँ पर शिवलिंग को स्थापित करवाया था। अब चलते हैं नीचे, यहाँ शिवलिंग से जो है जब आप पूजा दर्शन कर लेंगे तो उसके बाद नीचे जाकर एक और मंदिर, मतलब नीचे मंदिर है काफ़ी, वहाँ पे जो है अश्वत्थामा जी की मूर्ति दिख मिलेगी आपको। छोटे छोटे काफ़ी मंदिर हैं वहाँ पर भी, विष्णु लक्ष्मी जी का मंदिर है वहाँ पर, और आपका ये त्रिदेव है, ये हमारे विघ्नहर का गणेश भगवान जी हैं, ये गुरु द्रोणाचार्य जी हैं। गाइस ये अश्वत्थामा जी हैं, अश्वत्थामा आपको पता होगा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। अभी आपको मैंने दिखाए थे अश्वत्थामा, कहा जाइए बहुत, ये ना जो मंदिर है बोला जाता है कि महाभारत और रामायण काल के टाइम का मंदिर है। यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य जो कौरव पांडवों जी के गुरु थे, उन्होंने 12 साल तक तपस्या करी थी यहाँ पर, तो भोलेनाथ जी ने स्वयं उन्हें दर्शन दिए थे और गुरु द्रोणाचार्य ने उनसे प्रार्थना करी थी कि आप यहाँ पर रहें। तब से जो है शिवलिंग यहाँ पर ही स्थापित है मंदिर में, और तब इसे बहुत बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये आपका, और आप इसे उनका निवास स्थान भी कहा जाता है गुरु द्रोणाचार्य जी का, ये निवास स्थान भी है। यहाँ पर उनकी पत्नी ने अश्वत्थामा को जन्म दिया था, तो जब जन्म हुआ था अश्वत्थामा जी का तो उनको बोला, उनकी माँ के दूध नहीं आ रहा था, तो उन्होंने भोलेनाथ जी से बहुत प्रार्थना करी थी, तो भोलेनाथ जी ने, जो ये आप जल टपकते हुए देख रहे हैं, ये जल आज के, ये तो कलयुग है तो पानी की धारा बन के बह रहा है, लेकिन ये उस टाइम पे दूध की धारा बन के बहता था आपके महाभारत काल में, उस समय ये दूध गिरता था इसमें से, जो आज के टाइम पर पानी की धारा आपको दिख रही है। ये देखिए ये गंगे नदी का, ये देखिए पानी है, ये देखिए आज कल युग के टाइम पे तो दूध की धारा तो आप समझ ही सकते हैं पॉसिबल नहीं है, बट हाँ ये आज के टाइम पे पानी की धारा बन के बह रहा है। तो उस टाइम पे जो है भोले शंकर ने अश्वत्थामा जी के लिए, इसको गिराया था जल इसमें से, सॉरी दूध गिराया था इसमें से, तब से ये ऐसे ही टपकता है, पानी बन के इसमें से टपक रहा है। जगह देखो आप, जगह जगह से पानी बन के, पानी के रूप में बह रहा है ये, पहले ये सारी जो है दूध बहता था यहाँ पर से, अब तो इसे काफ़ी अच्छा बना दिया है, जगह जगह पे टाइल्स पत्थर मार्बल, ये देखिए ये है आपके
श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी, ये हैं आपके त्रिदेव। मुंह में नहीं डालते ये जो आपको नदी दिख रही है, ये भी बहुत पुरानी नदी है। तमसा नदी के नाम से ये जानी जाती थी प्राचीन काल में, मतलब महाभारत और रामायण के काल में इसे तमसा नदी कहा जाता था, बट आज के टाइम पे इसको तौंस नदी के नाम से जाना जाता है। अभी कुछ टाइम पहले तो ये काफ़ी ऊपर तक आ रखी थी, उफान में थी काफ़ी। आप देख सकते हैं कितना पानी बह आ रहा है इसमें। ये जो आपको मंदिर दिख रहे हैं बाकी बने हुए, वहाँ पे गुफा बना रखी है वैष्णो माता की, ये सब बाद में बना है, बट जो मेन पुराना मंदिर है वो पीछे जो शिवलिंग मैंने आपको दिखाया था, वही शिवलिंग है जो जो आपके द्रोणाचार्य ने 12 साल तपस्या करके स्थापित कर, उससे भोलेनाथ जी को वहाँ रुकने के लिए बोला था, वही शिवलिंग के रूप में वहाँ पर वो भोलेनाथ जी रुके थे। तो आज भी वो वहीं पर ही है, शिवलिंग के रूप में आज भी है वहाँ पर। ये सब नया है गाइस। तो ये है टपकेश्वर मंदिर के बारे में जो मैंने आपको बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताइएगा। टिल देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।